हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। दिल्ली के बाद पंजाब में मिली सफलता के बाद भ्रष्टाचार से त्रस्त नागरिक आम आदमी पार्टी को पर्याय मान रहे हैं। दिल्ली मॉडल को देश में लोकप्रियता मिली है और यही मॉडल नागपुर मनपा चुनाव सहित देश भर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आपका रहेगा, यह कहना है आपके प्रदेश सहायक प्रभारी दीपक सिंगला का। वे वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रेस परिषद में बोल रहे थे। सिंगला ने कहा कि मनपा चुनाव में स्वच्छ छवि वाले प्रामाणिक व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन करने के बजाय आप सीधे जनता से गठबंधन करेगी। सम्मेलन में पूरे विदर्भ भर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन शहरों की मनपा में भाजपा की सत्ता थी, वहां भ्रष्टाचार की बू आती है। मनपा में भाजपा ने कलेक्शन एजेंट के रूप में काम किया, अब राज्य में सभी चुनावों में आप अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रेस परिषद में विजय कुमार, धनंजय शिंदे, अशोक मिश्रा, कविता सिंगल, गणेश रेवतकर, नितिन गवली उपस्थित थे। महाराष्ट्र संयोजक रंगा राचूरे ने बताया कि बीते दो महीनों में राज्य के 19 जिलों का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया है। स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के लिए गठित समर्पित आयोग नागरिकों से उनका मत भी लेगा। इसके लिए आयोग 28 मई को नागपुर आ रहा है। राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और शहरों में महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में ओबीसी व वीजीएनटी आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्देश पर राज्य सरकार ने समर्पित आयोग का गठन किया है। आयोग ओबीसी प्रवर्ग आरक्षण के लिए जनता का मत जानने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाली विविध सामाजिक संगठनों के निवेदन स्वीकार करने के लिए नागपुर आने वाली है। आयोग से मिलकर अपना मत देने के इच्छुक 28 मई को शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक विभागीय आयुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मोमिनपुरा में नागपुर महानगर पालिका द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए एमएल कैंटीन के मालिक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित सहायक आयुक्त अशोक पाटिल के निर्देशों के अनुसार अधिवक्ता जैमिनी कासट ने कहा कि मनपा ने एमएल कैंटीन खाली कराने की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई है। मनपा के खुलासा किए जाने के बाद न्यायाधीश अमित बोरकर ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सैयद अहमद और मनपा की ओर से अधिवक्ता जैमिनी कासट ने पैरवी की। याचिकाकर्ता का मानना था कि एमएल कैंटीन यह मुस्लिम लाइब्रेरी का ही हिस्सा है, जहां गांधीबाग जोन की ओर से जेसीबी से कार्रवाई कर तोड़ू कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता यहां पर 70 वर्षों से व्यवसाय कर रहा है। मनपा का किरायेदार होने के नाते कार्रवाई से पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए था, किंतु नोटिस दिए बिना ही कार्रवाई की गई। होटल का संचालन करने के लिए एफडीए विभाग ने लाइसेंस भी दिया है। कचरा संकलन करने वाली भारत विकास ग्रुप कंपनी के खिलाफ मनपा की सभा में आरोप लगने के बाद कंपनी का ठेका रद्द करने की जांच समिति की ओर से सिफारिश की गई। इतना बड़ा फैसला लिए जाने के बावजूद न तो प्रशासन की ओर से कड़ा रुख लिया गया और न ही कंपनी की कारगुजारी बंद हुई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की दोपहर अचानक मंगलवारी जोन अंतर्गत ट्रांसफर स्टेशन पर छापामारी में फिर कंपनी द्वारा कचरे में मिट्टी मिलाए जाने की धांधली उजागर हुई। ट्रकों में कचरों के साथ मिट्टी मिलाते हुए देख स्थानीय लोगों ने वहां के जनप्रतिनिधि को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता हरीश ग्वालबंशी ने तुरंत ट्रांसफर स्टेशन पहुंचकर वास्तविकता की जानकारी ली। मामला गंभीर देख सीधे अधिकारियों को फोन कर इसकी सूचना दी। अधिकारियों के आने से पहले कंपनी की ओर से कई मामला साफ न किया जाए, इसके लिए पहले ही धांधली का वीडियो तक बना लिया गया। सूत्रों के अनुसार कचरा संकलन करने वाली पुरानी कंपनी की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए पूरे शहर को दो हिस्सों में विभाजित कर 5-5 जोन के लिए दो कंपनियां नियुक्त की गई। खेल से व्यक्तित्व और चरित्र का विकास होता है। आज तकनीक में डूबे बच्चों को खेलने के लिए मैदान में लाने की जरूरत है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिटी के लगभग 1,00,000 खिलाड़ी शहर के 450 से अधिक मैदानों में खेले और इससे वे अपने शहर और देश का विकास करें। शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पद्मश्री धनराज पिल्ले जैसे महान खिलाड़ियों को महोत्सव में आमंत्रित किया जाता है। धनराज के खेल से प्रेरणा लेकर सिटी में भी उनके जैसे खिलाड़ी तैयार किए जाए, यह बात खासदार क्रीड़ा महोत्सव पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले के हाथों महोत्सव मानकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में उद्घाटन किया गया। धनराज पिल्ले ने कहा कि हार कर भी जीतने का मौका केवल खेल में ही मिलता है। इन सभी परेशानियों का खुद सामना करने के महत्व को जानता हूँ,
खेल के प्रति प्रेम और आत्मविश्वास ने आगे बढ़ने में बहुत मदद की। कड़ी मेहनत करने, अपने खेल से प्यार करने और अपने देश प्रेम की क्षमता एक तिकड़ी है जिसे हर खिलाड़ी सीखेगा। प्रदर्शनी पहली बार जिला परिषद की पहल से जिले में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मेले में गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा जिले में 7000 महिला स्वयं सहायता समूह है। इसी के संदर्भ में रवि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने महिला मेले का उचित नियोजन करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कलेक्टर आर विमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला परिषद कृषि एवं पशुपालन सभापति तापेश्वर वैद्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष उज्ज्वला बुढरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर, जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाड़े, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी परियोजना निदेशक विवेक इलमे मौजूद थे। केदार ने आगे कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन मार्केटिंग, खाद्य प्रबंधन आदि पर कार्यशालाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों का मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से प्रतिष्ठित स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे। मध्य रेल नागपुर मंडल में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही 171वीं ऑफलाइन बैठक मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे नागपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के पश्चात राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मार्गदर्शन हेतु रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से राजभाषा निदेशालय के राजभाषा निदेशक वरुण कुमार ने केंद्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा की स्थिति और भाषा का व्यक्ति से संबंध इस विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक विपिन पवार, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी PS खैरकर, अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह तथा बड़ी संख्या में मंडल के शाखा अधिकारी एवं रेल कर्मचारी उपस्थित थे। हाल ही में रेल मंत्रालय के राजभाषा निदेशक डॉ. वरुण कुमार ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सदिच्छा भेंट दी। उनके आगमन पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने उनका स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं सूतमाला से स्वागत किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय नागपुर की वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी पूर्णिमा तलवारे, विश्वविद्यालय के कुलसचिव कादर नवाज खान, जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे, राजभाषा अधिकारी राजेश कुमार यादव एवं जनसंपर्क अधिकारी BS मिर्गे उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर वरुण कुमार को बहुवचन के कश्मीर और सुब्रमण्यम भारती विशेषांक की प्रतियां भेंट स्वरूप प्रदान की गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के संग्रहालय और पराड़कर मीडिया लैब का भी अवलोकन किया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। उपराजधानी की शान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के विकास की प्रक्रिया पूरी करने का मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने कायम रखे और इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय विमानतल प्राधिकरण व मिहान इंडिया ने दायर की अपील गुणवत्ताहीन मानते हुए खारिज कर दी। हाल ही में न्यायमूर्ति द्वय विनीत सरन व JK माहेश्वरी ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। विमानतल विकास ठेके की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसके बाद GMR एयरपोर्ट व GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर इस कंपनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 18 अगस्त 2021 को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय सुनील शुक्रे व अनिल किल्लोर ने वह याचिका मंजूर कर ठेके की प्रक्रिया रद्द करने का विवादग्रस्त निर्णय अवैध साबित हुआ। इसी तरह इस ठेकेदार पर 6 हफ्ते में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करे ऐसा आदेश दिया। इस पर अपीलकर्ता का आक्षेप था। मिहान इंडिया कंपनी विमानतल का PPP अंतर्गत डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर इस आधार पर विकास करने के लिए 2016 में निविदा आमंत्रित की थी। इसके अनुसार करीब 13 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से GNR कंपनी समेत अन्य 4 कंपनियों का तकनीकी बोली के लिए चयन किया गया था।
शिवसेना शहर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं शहर प्रमुख नितिन तिवारी के संयोजन में शहर शिवसेना के 700 सदस्यों ने एक साथ मिलकर मराठी फिल्म धर्मवीर का आनंद लिया। धर्मवीर देखने के लिए शहर शिवसेना की ओर से जानकी टॉकीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक किया गया था। शो पर शिवसेना की ओर से शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए सहायुक्त रेड्डी, उपायुक्त पखाले एवं धंतोली पुलिस स्टेशन के थानेदार महेश चौहान के साथ शिरकत की। विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी द्वारा अमितेश कुमार का भगवा शॉल व पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, जिसके पश्चात फिल्म शुरू हुई। धर्मवीर चित्रपट देखने पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चतुर्वेदी ने बताया कि शिवसेना नेता आनंद दिघे साहेब की जीवनी पर आधारित इस फिल्म ने सभी शिवसैनिकों में जान फूंक दी है। इस फिल्म को देखने के बाद शिवसेना के लिए दिघे साहब का त्याग, बलिदान, बाला साहब के प्रति अटूट श्रद्धा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस फिल्म ने शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व का परिचय दिया है। सभी ने यह फिल्म देखनी चाहिए और उन्होंने पालकों से अपने बच्चों को फिल्म दिखाने का आह्वान किया ताकि वे आज के समाज में साहसी और निडर बन सके। साहित्य, संस्कृति व संस्कार तीनों ही विषयों से घनिष्ठ संबंध रखने वाले शंकर प्रसाद अग्निहोत्री ने शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए अत्यंत सराहनीय योगदान दिया है। साथ ही अध्यापन कार्य के माध्यम से विद्यादान का पवित्र कार्य भी किया। आज उसका भव्य स्वरूप उनके कर्तृत्व को प्रमाणित कर रहा है। इससे साबित होता है कि उद्यमशीलता ही उनके व्यक्तित्व की शक्ति है। ये प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिक्षा क्षेत्र के सम्राट शंकर प्रसाद अग्निहोत्री के सत्कार समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। मंच पर कुलगुरु डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, प्रख्यात कवि मधु पांडे, न्यायाधीश शिरपुरकर, एडवोकेट आनंद परचुरे, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व केंद्रीय हंसराज अहिर, गिरीश गांधी तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे। ये कार्यक्रम डॉक्टर बसंतराव देशपांडे सभागृह में संपन्न हुआ। गडकरी ने कहा कि जीवन में किसी क्षेत्र में एम्पायर खड़ा करना अत्यंत कठिन है। संस्था तैयार करने के लिए केवल धन ही नहीं अपितु धैर्य और उद्यमशीलता की भी आवश्यकता होती है। ये उद्यमशीलता ही शंकर प्रसाद के व्यक्तिमत्व की सबसे बड़ी ताकत रही है। गांधी जी व विनोबा जी के जीवन दृष्टि से उन्हें एक दृष्टि मिली, वो उस दृष्टि के आधार पर उन्होंने अत्यंत विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट और मंगलमय परिवार नागपुर द्वारा वृंदावन वासी परम पूज्य विजय कौशल महाराज का मंगलमय परिवार की अवधारणा पर व्याख्यान आयोजित किया, जिसे नगर के प्रमुख नागरिक व गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। मधुसूदन सारड़ा ने आयोजित व्याख्यान के विषय पर परिचय दिया। रमेश राजौरिया ने महाराज श्री का परिचय देते हुए बताया कि महाराज श्री ने जनकल्याण की भावना विकसित करने कुछ वर्ष पूर्व मंगलमय परिवार की भावना सामने रखी थी और उसे ही वे अच्छी तरह हमारे सामने रखेंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति गोविंद पोद्दार, राजेंद्र पुरोहित, पद्मेश गुप्ता व पवन पोद्दार ने महाराज श्री का स्वागत किया। श्री राधा कृष्ण महिला मंडल के सदस्यों ने महाराज श्री का आशीर्वाद दिया। विजय कौशल जी महाराज ने मंगलमय परिवार के अवधारणा पर व्याख्यान दिया। आभार प्रदर्शन करते हुए गोविंद पोद्दार ने कहा कि जब से हमने मंगलमय परिवार की अवधारणा पर कार्य प्रारंभ किया है, तब से सारे कार्य सहज होते जा रहे हैं। कोरोना काल में प्रतिदिन राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हमारे संस्था द्वारा लोगों के भोजन और मरीजों के इलाज की व्यवस्था कैसे होती गई, कुछ पता ही नहीं चला। प्रभु की कृपा एवं भक्तों के सहयोग से ही ये कार्य संभव हुआ है। प्रभु प्रार्थना और प्रसाद के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल में कल रविवार 15 को गुरु अमरदास साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8:30 बजे व शाम 4 बजे से 6 बजे तक श्री जपू जी साहिब व श्री सुखमनी साहिब के सामूहिक पाठ के साथ होगा। तत्पश्चात संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी गुरु अमरदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का समापन आरती, 11 गुरुओं व दसम ग्रंथ में वर्णित आदिशक्ति भवानी माता की स्तुति, अरदास व प्रसाद वितरण के साथ होगा। संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी ने बताया कि गुरु अमरदास जी गुरु नानक देव जी की तीसरी ज्योत है। गुरु जी जिला अमृतसर के गांव बासरके के निवासी थे। 72 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कठिन सेवा की। गुरु अमरदास जी सुबह 3 बजे उठकर ब्यास नदी पर जाकर दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए पानी की घाघर भरकर खंडूर साहब लाते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अंगद देव जी ने उन्हें कुल 12 वरदान दिए। गुरु अमरदास जी ने अमृतसर स्थित गोविंदवाल साहिब में बावली साहिब की रचना की, जिसमें 84 सीढ़ियां हैं। उन्होंने वर दिया कि जो इसमें 84 बार श्री जपू जी साहिब का पाठ कर स्नान करेगा, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए सदा समर्पित सर्व मानव सेवा संघ ने स्वर्गीय सुधीर कुमार सहलोत की स्मृति में रजनी सहलोत परिवार की ओर से प्राप्त शववाहिका का लोकार्पण पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े, मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे, पूर्व विधान परिषद सदस्य गिरीश व्यास,
पूर्व उप महापौर मनीषा धावड़े, नगर सेविका वंदना यंगिटवार, सर्व मानव सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा के प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सुभाष कोटेचा ने कहा कि मानव सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए अनेक दान दाता तैयार रहते हैं। विधायक खोपड़े ने कहा कि नागपुर में मानव सेवा के लिए सर्व मानव सेवा संघ का नाम सबसे आगे है। आप इसी तरह हमेशा निराधार, निराश्रित और गरीब लोगों के काम करते रहे, यही आपसे अपेक्षा करते हैं। विशेष रूप से सुरेश ओस्तवाल, केतन सेठिया, प्रीतम बोकड़े, रविंद्र तायड़े, नितिन बिजवे, नाभा मन्ना, प्रशांत बोरकर, रजत पराते, सचिन पोफली, संजय सिंह, रजनी जैन, विलास सुराणा, प्रसन्न दुगड़, संजय जैन, अरिहंत बैद, जितेंद्र जैन, विनोद चोरडिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री गणेश रेड्डी ने किया। श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत नगर माहेश्वरी सभा जोन 2, श्री माहेश्वरी युवक संघ एवं श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी महिला समिति की संयुक्त सभा बुधवार 11 मई को शाम 7:30 बजे माहेश्वरी पंचायत भवन हिबरी नगर में आयोजित की गई। उपरोक्त मीटिंग में आगामी 8 जून को महेश नवमी पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मीटिंग में 4 कार्यक्रम महेश नवमी के दौरान लिए जाए ऐसा निर्णय लिया गया। श्री माहेश्वरी युवक संघ के अध्यक्ष मनोज लोया एवं सचिव नितेश भट्टर ने बताया कि आगामी रविवार 29 मई को इंडोर एवं आउटडोर गेम्स लिए जाएंगे जो कि पंचायत भवन एवं ईस्टर्न स्पोर्ट्स क्लब में रखे जाएंगे। महिला समिति के अध्यक्ष मीना दरक एवं सचिव सोनल सारडा ने बताया कि 29 मई को दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच माहेश्वरी टैलेंट्स का कार्यक्रम लिया जाएगा जिसमें बच्चों के लिए वाद्य यंत्र की प्रतियोगिता होगी। श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत की ओर से जयश्री बियानी ने जानकारी दी कि 29 मई को हम अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार 2 या उससे अधिक बेटियां होने पर माता पिता का सत्कार करेंगे। जोन 2 के अध्यक्ष कमल तापड़िया ने जानकारी दी कि रविवार 5 जून को 2-व्हीलर्स पर ट्रेजर हंट का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार 16 मई 2022 को नागपुर महानगर पालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मनपा की 2 सितंबर 2018 को बुलाई गई आम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार बूचड़ खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार सोमवार 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका में मांस की दुकानें एवं कत्तल खाने बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर निगम के एनडीएस दस्ते द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मनपायुक्त एवं निदेशक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग डॉक्टर गजेंद्र महल्ले ने दी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत योगानुशासन कार्यक्रम का शुभारंभ आज शिक्षा विद्यापीठ के सभागार में होगा। योग प्रदर्शन क्रीड़ा सचिव अनिकेत आंबेकर और डॉक्टर गौरी शर्मा के निर्देशन में किया जाएगा। योगानुशासन कार्यक्रम के पश्चात अपना छात्रावास स्वच्छ छात्रावास प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सम्मिश्र पद्धति से सुबह 10 बजे कस्तूरबा सभागार में आयोजित किया जाएगा जिसमें विजेता छात्रावास को शील्ड और प्रशस्ति पत्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3116 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,12,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 25,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 85,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। गर्मी के मौसम में शहर में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी है लेकिन इससे कोई भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग रिहायशी बिल्डिंग के पास लगे ट्रांसफार्मरों के नीचे या वाहन पार्किंग के आसपास कचरा डंप कर रहे हैं। इस कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है जो आग जल्दी पकड़ता है लेकिन इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही आसपास के सफाई कर्मी भी कचरा वही डंप कर रहे हैं जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गर्मी के मौसम में आग की घटनाएं कुछ दिनों में काफी बढ़ गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में सीताबर्डी इलाके में सड़क के किनारे रखी 2 बाइक जलकर खाक हो गई थी। इसकी वजह से कचरे में आग लगने की बातें सामने आई। इस कचरे में किसी सिगरेट या बीड़ी पीने वाले व्यक्ति ने अनजाने में माचिस की जलती हुई तिल्ली फेंक दी जिससे प्लास्टिक के मटेरियल ने आग पकड़ ली। इस आग की जद में 2 बाइक आ गई। गनीमत ये रही कि समय पर लोगों को पता चल गया और उन्होंने आग बुझाने के प्रयास किए तब जाकर दूसरी बाइक्स को बचा पाए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार।